हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मीज़ लव एंड टच रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। ये एक अमरक फ्रूट इसे बोलते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता इसे अमरक बोला जाता है कि कमरक बोला जाता है, क्योंकि जब मैं ये फ्रूट ले रही थी तो मैं अमरक नाम से ही ले रही थी। तो जो जो ये फ्रूट बेच रहे थे तो उन्होंने बोला कि इसे अमरक नहीं बोलते, इसे कमरक बोलते हैं। खैर, आप लोग इस फ्रूट को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फ्रूट मुझे बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो जब भी मुझे ये मिलता है तो मैं इसे ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इस फ्रूट में बहुत ही गुड सोर्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये मैं अभी हाल में ही लखनऊ गई थी, तो ये मुझे अमीनाबाद में दिखा, तो मैंने इसे फटाक से ले लिया। और ये फ्रूट मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने कितनी नायाब नायाब सी चीज़ें बनाई हैं। इसका शेप देखिए, कितना डिफरेंट शेप है बिल्कुल। और ये फ्रूट थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है, ये मुझे 120 रुपीज़ का मिला है, तो मैंने सिर्फ 2 ही लिया है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो मैं बस लेके आई थी और मैंने बस अचानक से ऐसे ही फ्रिज खोला तो मुझे ये फ्रूट दिखाई दिया, तो ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा इस फ्रूट के बारे में। तो ये सूख के कहीं फेंका है ना, तो बस चलिए आज इसका कुछ बनाते हैं। कुछ बनाते क्या है, मैं बस इसको सैलेड की तरह इसको यूज़ करूँगी खाने में। तो इसके जो शार्प एज हैं, इस थोड़े से जो ब्लैकिश हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए, मैंने इसके सारे शार्प एज को हटा दिया है अच्छे से। अब इसका हेड और टेल भी रिमूव कर लेते हैं, वो भी थोड़े से ब्लैकिश हो रहे हैं। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर इसका हेड और टेल को हटा देंगे। और देखिए, जैसे मैंने इसका कट किया तो शेप देखिए बिल्कुल स्टार शेप आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको शायद स्टार शेप स्टार फ्रूट कहा जाता है। तो इसको बस मैं स्लाइसेस में इस तरीके से काट ले रही हूँ। तो ये रखे रखे थोड़े से पक गए थे, तो बहुत खट्टे तो मुझे खाने में नहीं लगे, हालांकि ये फ्रूट बहुत ही खट्टा होता है, बिल्कुल खाया नहीं जाता है। तो ये अच्छी चीज़ थी कि ये रखे रखे थोड़े पक से गए थे, तो आपको देखने में भी ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा होगा, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। थोड़ा सा पका पका सा उसका खट्टापन थोड़ा कम हो गया था। तो देखिए, मैं इसको बस स्लाइसेस में ऐसे कट कर ले रही हूँ और सारे शेप बिल्कुल स्टार शेप निकल के आ रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये बिल्कुल फ्रूट, मुझे तो मतलब खाने से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये देखने में लगता है। तो मैं इसका सीड भी रिमूव कर ले रही हूँ, कि मुझे नहीं पता किसका सीड खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, तो मैं सारा इसका सीड हटा दे रही हूँ। इसको आप सैलेड में यूज़ करिए, या फिर कुछ लोग इसका पिकल भी बनाते हैं, तो काफ़ी खट्टा सा इसका टेस्ट होता है, तो पिकल में तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए, मैंने सारा इसका सीड अच्छे से रिमूव कर दिया है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत से स्टार शेप दिख रहे हैं। तो इस फ्रूट को मैं सैलेड की तरह यूज़ करने जा रही हूँ, तो सैलेड के ऊपर जो भी आप मसाले वगैरह छिड़कते हैं तो आप इंडिविजुअली भी छिड़क सकते हैं, जैसे कि भुना हुआ जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक और अमचूर पाउडर। तो मेरे पास ये जलजीरा मसाला था, तो मैं यही डालने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे मसाले रहते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं होता है, तो मेरा बेटा भी खाएगा तो मैं उसे लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं देती हूँ, और वो अभी ये सब चीज़ इतना उसको खा भी नहीं पाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा बस ये जलजीरा पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास जलजीरा पाउडर नहीं है, चाट मसाला है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें भी वही सारे मसाले होते हैं। तो बस मैंने ये सब जलजीरा पाउडर को छिड़क दिया है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये थोड़ा सा फ्रूट बहुत खट्टा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसी भी चीनी ज़रूर डालिए, तो उस खट्टेपन को वो बैलेंस कर देता है। तो मैंने थोड़ा सा ये जलजीरा पाउडर को डाल दिया है और सभी को अच्छे से मिला लिया है, और अब पिसी हुई चीनी को डाल दिया है कि उसका खट्टापन थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। इसको स्किप मत करिएगा, तो अगर आप पिसी हुई चीनी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे, तो देखिए कितना टेस्टी सा आपका सैलेड, बिल्कुल इनरिच सैलेड बन के तैयार है। तो आपको भी ये फ्रूट जो कहीं भी दिखाई दे तो एक बार ज़रूर इसको खाइए, और ये फ़ायदा ही करते हैं फ्रूट, कुछ ना कुछ इन सब चीज़ फ्रूट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, तो कुछ अलग सी चीज़ दिखती है तो उसको ज़रूर अपने खाने में ऐड कीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
स्क्वायर नहीं है, स्टार शेप है। कैसा लगा? हाउ इज दिस? खट्टा 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 खट्टा।